हेलो एंड वेलकम सर, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो सर, आज हम बात करेंगे अपने गूगल क्रोम में किस तरह से लोकेशन को चेंज कर पाएंगे। अक्सर क्या होता है दोस्तों कि जब भी हमें कोई ब्लॉग, वेबसाइट्स या यूट्यूब पे हमें कोई चैनल्स एक्सेस करने होते हैं और अगर वो इंडिया में बैन है तो हम उसे एक्सेस नहीं कर पाते, तो हम किस तरह से जो है अपने ब्राउज़र का, क्रोम का जो है वो दूसरे जगह लोकेट करके, उसका लोकेशन कहीं और दिखा करके हम उसे किस तरह से एक्सेस कर पाएंगे। हम सबसे पहले तो उसे जानेंगे कि किस तरह से हम अपने ब्राउज़र का लोकेशन चेंज कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा गूगल क्रोम में। आप यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन करेंगे और फ़िलहाल देखेंगे आप हमारा जो है वो एड्रेस दिल्ली का आ रहा है और इसे हम चेंज किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले आपके क्रोम ब्राउज़र के ये थ्री डॉट पे जाने पड़ेंगे जिसे मेन्यू भी कहा जाता है। उसके बाद आप जाएंगे मोर टूल्स पे। मोर टूल्स पे जाने के बाद आप जाएंगे डेवलपर टूल्स पे। डेवलपर टूल्स पे जब आप जाएंगे तो आपको राइट साइड में कुछ इस तरह का टेंशन वाला आपको जो है बॉक्स खुल जाएगा जिसमें आपको कुछ प्रोग्रामिंग टाइप से दिखेगा। नीचे आपको दोस्तों कंसोल यहाँ पे दिख जाएगा। इसके पीछे साइड भी यहाँ पे एक मोर टूल्स का ऑप्शन है। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से इतने सारे मेन्यू खुलेंगे। आपको सिंपल सा इस पे जो है सेंसर्स पे आप चले जाएँ। सेंसर्स पे आप चले गए, यहाँ पे आपको सेंसर पे टिक हो करके ये आप चीज़ दिखाएगा। यहाँ पे आप देख लेंगे लोकेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे ओवरराइड लोकेशन लिखा हुआ है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करेंगे। अभी जैसा कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पे दिल्ली हमारा शो कर रहा है और हम जब इस पे ऐड लोकेशन करेंगे तो ऐड लोकेशन करने के बाद मैं चाहता हूँ कि हमारा यहाँ पे लोकेशन मुंबई का दिखे, है ना। तो हम यहाँ पे मुंबई टाइप कर देंगे। मुंबई का जो हमारा लैटीट्यूड लॉन्गटीट्यूड है उसे हम यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुंबई कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। यहाँ पे हम मुंबई कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका ये आ चुका है। आप जस्ट यहाँ से कॉपी करेंगे, इस सर्च बार में जाएंगे, यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे। दूसरा भी आप यहां से कॉपी करके और इस पे यहां पे पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये हो जाता है यहां पे ऐड। यहां पे जस्ट आपको ऐड पे क्लिक करना है और ये आपको ऐड हो चुका है। तो आप क्या करेंगे, यहां से इसे बंद करेंगे। जो ओवरराइड में आपको दिख रहा है यहां पे आप सेलेक्ट कर लेंगे मुंबई। मुंबई सेलेक्ट करने के बाद आप जब दोबारा इस चीज़ को सर्च करेंगे तो उम्मीद है कि हमें लोकेशन चेंज नज़र आएगा। जब हम नीचे की ओर जाएंगे तो दोस्त यहाँ देख सकते हैं किस्मत नगर कुर्ला मुंबई महाराष्ट्र फ्रॉम योर डिवाइस। तो आपका डिवाइस का जो लोकेशन है वो चेंज हो चुका है, ये बिल्कुल दिल्ली से जंप करके मुंबई जा चुका है। मैं यहाँ पे एक और आरएनडी करता हूँ कि क्या मैं अपने दूसरे कंट्री का यहाँ से कोऑर्डिनेट्स लेकर के यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि दूसरे देश यानी कि लंदन का ले देता हूँ कोऑर्डिनेट्स और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे सर्च कर लिया है और जब यहाँ पे हम जाएंगे अपने मैनेज पे, मैनेज पे मैं पहले वाला को डिलीट करता हूँ फिर दोबारा से ऐड कराता हूँ। ऐड में हम लिखेंगे यहाँ पे लंदन, ओके। उसके बाद अपने लंदन का कोऑर्डिनेट्स यहाँ से हम कॉपी करेंगे और हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। अगेन यहाँ पे लॉन्गटीट्यूड पे हम ऐसे इस तरह से सेम करेंगे, ओके।
और फिर से हम पेस्ट करेंगे, यहाँ पे हम ऐड करवा देंगे। ऐड करवाने के बाद फिर से हम यहाँ से बंद करेंगे और यहाँ से हम ओवरराइड में चूज करेंगे अपने लैंड को लंदन, ठीक है। और अब हम ये सर्च करेंगे दोबारा से पेट हाउस लंदन में, और जब हम इसके बिल्कुल ही बॉटम में जाएंगे तो हमें क्या दिखेगा ये हम चेक करेंगे। ये अभी सर्च नहीं कर पाया है, हम जो है इसे दोबारा से गूगल को रिफ्रेश करता हूँ और दोबारा से हम पेट हाउस को सर्च करते हैं। पेट हाउस आप कोई भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप पेट हाउस ही सर्च करें, किसी भी चीज़ को आप सर्च करेंगे तो उम्मीद है कि रिज़ल्ट हमें 100% यस। तो आप देख सकते हैं हमारे डिवाइस का लोकेशन चेंज हो चुका है और ये सीधा दिल्ली मुंबई से उठ कर के सीधा लंदन में जाकर शिफ्ट हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस भी जगह का आप लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आप यहाँ पे फील करते हैं तो आपका सिस्टम जंप करके सीधा वहाँ चला जाता है। तो इस तरह से आप अपने सिस्टम में R&D कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके सिस्टम में किस तरह से शो करता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि YouTube में भी आप इसी तरह से कर सकते हैं, तो आप जैसे YouTube पे जाएंगे और प्लीज़ वेट कर लेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे अपने मेन्यू में और जाएंगे हम लोकेशन, यहाँ पे आपको लोकेशन दिख रहा होगा, लोकेशन हम यहाँ से अगर क्लिक करके चेंज करते हैं तो उम्मीद है चेंज होना चाहिए। तो यहाँ से जब हम ये हम लेते हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया लेंगे तो सेलेक्ट हो चुका है और ये ऑस्ट्रेलिया का लोकेशन आपको दिखना चालू हो जाएगा। तो जब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो हम इंडिया में नहीं बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया में हैं। तो मैंने जैसा बताया कि ये चीज़ जब काम आती है, जब आप किसी ब्लॉक चीज़ को खोल रहे हैं जो आपका इंडिया में बैन हो और आप किसी दूसरे जगह का लोकेशन लेते हैं, तो इस तरह से आपको हेल्पफुल होगा काफ़ी ज़्यादा। तो इस छोटी सी वीडियो में मैं इसी का सॉल्यूशन बता रहा था, लोकेशन का ट्रिक बता रहा था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, कमेंट करके बताएं आपको और कौन सी नॉलेज आप अपने दिमाग में रखते हैं जो कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसे मैं भी ट्राई करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।